शिव की नगरी काशी का अस्तित्व जितना शिव पर टिका है उतना ही गंगा पर भी निर्भर है, और इसीलिए काशी के इस शिवधाम में गंगा की एक पहेली सदियों से शिवलिंग को अपने आगोश में समेटे है। काशी में महामृत्युंजय भगवान शिव और पाप नाशनी गंगा की लहरों का ये मिलन जहां होता है वो जगह है भगवान शिव का ये धाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर। यहां गंगा का पानी हर पल भगवान शिव का जलाभिषेक करता रहता है। सैकड़ों साल से गंगा के पानी में डूबा रहने वाला ये मंदिर अपने इसी अद्भुत रहस्य की वजह से भक्तों और श्रद्धालुओं को अचंभित करता है। बताया जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में 12 शिवलिंग मौजूद हैं, जिनका गंगा हर वक्त जलाभिषेक करती रहती है। गंगा हमेशा गर्भगृह में विराजमान रहती है। इसका गर्भगृह बहुत खूबसूरत है। आप जब गर्भगृह के अंदर इसके आप जाएंगे तो उसमें परम शांति की आप अनुभव करेंगे, और ये करीब 6 महीने ये जल में और मिट्टी में रहते हैं भगवान शंकर यहाँ रत्नेश्वर महादेव। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर इस तरह से बनाया गया है ताकि इसका गर्भगृह हमेशा पानी में डूबा रहे, लेकिन हर साल बाढ़ के कारण मंदिर के गर्भगृह में सिल्ट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शिवलिंग के दर्शन श्रद्धालु नहीं कर पाते। रत्नेश्वर महादेव के इस मंदिर की बनावट भी बेहद खास है। इस मंदिर को गंगा के बिल्कुल पास कुछ इस तरीके से बनाया गया कि मंदिर का जो गर्भगृह है वो हमेशा गंगा के पानी में विराजमान रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गंगा का पानी अभी भी गर्भगृह के अंदर दिख रहा है। इस गर्भगृह के अंदर 12 शिवलिंग है और शिवलिंग कुछ इस तरीके से स्थापित किए गए हैं कि हमेशा गंगा का पानी शिवलिंग के पास स्थापित रहे। तो फिलहाल ये जो मंदिर है वो सभी के लिए इस समय उत्साह और उल्लास से भरा हुआ रहता है, क्योंकि इस तरीके का मंदिर न कभी किसी ने देखा है और ना ही कभी किसी ने जाना है। लेकिन गंगा के प्रचंड वेग और उफान का सामना कोई नहीं कर पाता। उसके आगे ये मंदिर कैसे अटिक खड़ा है? तो आस्था कहती है कि भगवान शिव और माँ गंगा की दैवीय शक्ति ही है कि इस नींव के हर वक्त पानी में डूबे रहने के बावजूद भी आज तक इस मंदिर का एक पत्थर भी नहीं हिला है, ना ही गंगा की उफनती लहरों का इस पर कोई असर पड़ा है। इस मंदिर में 2 बार वज्रपात हुए पर इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ, जिससे भक्तों का उत्साह और उल्लास दोनों ही और भी बढ़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंदिर के पिछले हिस्से में कुछ पत्थर है जो टूट कर निकल चुके हैं। दरअसल ये वो निशान है जब वज्रपात हुए मंदिर में और यहाँ से वो पत्थर नीचे गिर गए, पर मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और मंदिर ठीक वैसे ही खड़ा रहा जैसे कि 350 साल पहले इसे स्थापित किया गया था। काशी में मौजूद भगवान शिव के इस मंदिर का एक और रहस्य हैरान करता है। यहाँ न तो पूजा अर्चना होती है ना ही किसी घंट घड़ियाल की गूंज सुनाई देती है। आखिर ऐसा क्यों है? तो पता चला कि इसके पीछे एक माँ के श्राप की कहानी है। 1832 में अंग्रेज स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने कई बार मंदिर को अपनी चित्रकारी में उकेरा है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि मंदिर सीधा खड़ा है, लेकिन आज मंदिर 9 डिग्री तक झुक चुका है। तो क्या मंदिर बनने के 200 साल बाद तक मंदिर की नींव में कुछ ऐसा हो रहा था कि मंदिर का झुकाव ऊपर तक किसी को दिखाई ही नहीं दिया, और आने वाले 200 सालों में ये मंदिर पूरा का पूरा 9 डिग्री तक झुक गया? लेकिन आज तक
रहस्य की पहेली अनसुलझी है। यहाँ आने वाले शिव भक्त इसे शिव के साथ माँ गंगा का चमत्कार कहते हैं। इतिहासकार इसे माँ के श्राप की कहानी से जोड़ते हैं, तो सिविल इंजीनियर इसे नींव के झुकाव का परिणाम मानते हैं। लेकिन इसमें सच क्या है ये कोई नहीं जानता। इसीलिए गंगा के तट पर शिव की इस शक्ति के एहसास को जानने आज भी हर कोई आता है और गंगेश्वर महादेव रत्नेश्वर शिव की महिमा देखकर निहाल हो जाता है। रहस्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में करेंगे एक और रहस्य की पड़ताल। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।